तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। अपने आप से यानी आप अपने ईश्वर से कहना, प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूँ, तेरा जीवन मैं पाना चाहता हूँ, तेरी मुक्ति को मैं पाना चाहता हूँ। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। बोलिए, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। ऊंची आवाज में, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। कितने लोग ईश्वर के बच्चे हैं यहाँ पर? सभी लोग यहाँ बच्चे हैं तो बोलिए, तेरे बच्चे तुझसे मिलना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझसे मिलना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। ताली बजाए। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। गाइए, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तुझे छूने से मुक्ति मिलती है, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे जीवन पाना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे जीवन पाना चाहते हैं, हो आजा यीशु। एक आवाज में बोलिए, तेरे बंदे, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। पुकारिए, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है, आ जा यीशु राजा।
मेरी पीड़ा, मेरे जिंदगी में जो मेरा पाप है, मेरे बंधन, मेरे आंसू, मेरे आंतरिक घाव, घर की हर एक समस्या, मेरी चोटें, मैं जहां पर दुखी हूं, पीड़ित हूं, लाचार हूं, बेबस हूं, कमजोर हूं, रिश्तों में जो तनाव है, कड़वाहट है, घर की ऐसी कई बातें जो मुझे आज विचलित कर रही है, मेरी सारी आकांक्षाएं, मेरे सारे सपने, आज प्रभु आपकी जिंदगी को एक नई राह दिखाना चाहता है, एक नई दिशा की ओर आपकी दृष्टि लगाना चाहता है। आज आप अपना जीवन, अपने मन की सारी चिंताएं, आपके अंदर की घबराहट, भय, डर, वो सब प्रभु के सामने लेकर आना। वो एक पल में जान जाएंगे आपकी जिंदगी को परख कर, वो आपके जीवन को जांच कर एक पल में समझ जाएंगे कहां पर तुम्हें छूने की जरूरत है, कहां पर तुम्हें उसके स्पर्श की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में ऐसे कौन से पौधे हैं जो पिता के द्वारा नहीं रोपे गए, ऐसी कौन सी डालियां हैं जो फलित नहीं हो रही है बल्कि तुम्हारे जिंदगी में सूखापन ला रहा है, वो सारी डालियों को वो काट देंगे, पर आप उन्हें दे देना अपना जीवन, अपना नशा, पति पत्नी के अंदर के बीच में जो तनाव है, आपके व्यावहारिक पारिवारिक जीवन में, आपके संबंधों में, आपके दोस्ती में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, वो राजा आपके संपूर्ण जीवन के हैं, तन मन और आत्मा के। वो केवल आपकी रक्षा ही नहीं बल्कि आपके जिंदगी में आपको सारी जरूरतों का प्रबंध भी करता है। वो केवल आपका मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि वो ईश्वर है जो आपको हाथ पकड़ कर आकर लेकर जाएगा। वो गिरे हुए को संभालता है, उन्हें ढारस देता है, उन्हें नया बनाता है। यीशु ने कहा, मेरी वो भेड़े जो भटक गई है, मैं उन्हें भला चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी है, मैं उनकी देखरेख करूंगा, जो अंधेरे कोहरे में कहीं भी भटक गई है, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। आज आप जीवन के किसी भी तर में क्यों ना हो, आपका यीशु वो आपके पास, आपकी जिंदगी को बदलने, आपको चंगा करने, आपको नया जीवन देने आपके पास आ रहा है। वो आपका, आपकी आत्मा का गडरिया है, वो आपकी जिंदगी का चरवाहा है, और अगर हम उसकी भेड़ है तो हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। बोलिए, यीशु मेरा चरवाहा है। बोलिए, यीशु मेरा चरवाहा है। आप आंखें बंद करते हुए दाहिना हाथ हृदय से लगाएं और बायां हाथ प्रभु की ओर उठाएं और बोलिए, यीशु तू ही मेरा चरवाहा है, यीशु तू ही मेरा चरवाहा है, तू ही मेरा सच्चा गडरिया है, तू ही मेरा सच्चा गडरिया है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी आवाज पहचान कर, मैं तेरी आवाज पहचान, तेरे पीछे आऊंगा, तेरे पीछे आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रशांत जल के पास, और शांत जल के पास, ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करेगा अपने नाम के अनुरूप मेरा चरवाहा मुझे हर मार्ग पर ले चलता है। मेरे जिंदगी में कितनी भी संकट क्यों ना आए अंधेरी घाटी से होकर क्यों ना जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की किसी धोखे की किसी संकट की
शंका नहीं है, क्योंकि सभी लोग बोलिए क्योंकि तू ही मेरे साथ रहता है, मेरा चरवाहा, मेरा गडरिया मेरे साथ रहता है, मुझे प्रभु तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने का मेज सजाता है, हालेलुया, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, आत्मा का विलेपन करता है, आनंद के तेल से मेरा अभिषेक करता है, मेरा हृदय मेरा जीवन लबालब भर देता है, शांति से प्रेम से आनंद से चंगाई से मेरा यीशु मुझे लबालब भर देता है, तेरी भलाई तेरी कृपा तेरी अनुकंपा उससे मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ, मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरा राजा मेरा चरवाहा मुझ में निवास करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी लोग स्तुति करें स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरे अरे 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 ओरे रे 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 रे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे और अब हम स्वीकारेंगे, हम घोषित करेंगे, हमने हृदय से विश्वास किया है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, पर जबान से हम स्वीकारेंगे यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा चरवाहा है, यीशु ही मुझे जीवन देने वाला ईश्वर है, यीशु ही मेरे जिंदगी का राजा है। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, आहा हा आहा हा, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं, ओ हो हो ओ हो हो, वादी पहाड़ी पहाड़ी में हमको ले चलता, आहा हा जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं, ओ हो हो ओ हो हो, यीशु है हरी चराइयों में, हरी चराइयों में हमें चरा। सभी लोग थोड़ा सा हल्के से झूमिए, आनंद के साथ गाइए, यीशु है सच्चा गडरिया, हरी चराइयों में हमें चराता है, संकट में मेरी रक्षा वो करता है, आहा हा आहा हा, शैतान
शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। ओ हो हो ओ हो, संकट में मेरी रक्षा वो करता है। आहा हा आहा हा, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। ओ हो हो ओ हो हो, यीशु है यीशु, हम उसकी सच्चा गडरिया। गाइए गाइए, हम हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है। आहा आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हो हो किसी का हमको डर नहीं है। आहा हा आहा हा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हो हो ओ हो, यीशु है यीशु है। हाँ हम आवाज उठाइए हरी चराइयों में, हरी यीशु है सच्चा गडरिया। हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया। ताली बजाए हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हाले। आंखें बंद कीजिए हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया। आपकी कमियों को पूरा करने आएगा हालेलुया। सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। इन पलों में जिन
जिनसे भी हो सके वो कृपया घुटना टेकिए, घुटना टेकिए। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ जो भटक गई है, जो खो गई है, उन्हें मैं ढूंढने निकलता हूं। आप तनिक अपने जीवन को जांचिए, आप कहां खो गए, कहां प्रभु से दूर चले गए। आपने जानबूझकर ऐसे फैसले लिए कि आपने प्रभु के मार्गों को छोड़ दिया। प्रभु यीशु हमें खोजने वाला प्रभु है, वो जानते हैं कि हमने उसे छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे हम चले गए थे, जादू टोना, पैसा, दूसरे अन्य लोगों के पीछे हम गए थे जिसके पीछे हमें जाना नहीं था। उस महिला के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे, वो रो रो कर प्रभु यीशु के पैर अपने आंसुओं से धो दिए। प्रभु यीशु ने उस महिला से कहा, मैंने तेरे पाप क्षमा किए, जा, लेकिन इसके बाद तू पाप नहीं करना। प्रभु यीशु आज भी आपको उतने ही प्यार से, उतने ही करुणा से, उतने ही दया के साथ आप सबसे कहते हैं, मैंने तेरे पाप क्षमा किए, जा, पाप में नहीं जीना, मेरे साथ जीना, मेरे साथ एक होकर जीना। प्रभु यीशु जानते हैं कि हमने कितना कुछ सहा है, आइए हम अपने आप को समर्पण करें प्रभु यीशु के चरणों पर। प्रभु यीशु अनुकंपा से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, ये वही प्रभु यीशु है जो हमारे और प्यार से देख रहा है, ये वही प्रभु यीशु है जो कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, ये वही प्रभु यीशु है जो हमारे टूटे हुए हृदय को जोड़ता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे टूटे हुए हृदय को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करना। हमने बहुत कुछ सहे है इसके पहले, लोगों ने हमारा तिरस्कार किया है, परिस्थितियों के कारण हम टूट गए हैं। हो सकता है कि हमारे परिवार में किसी का मौत हुआ हो और मन में बहुत दुख है, गहरा है दुख। हो सकता है कि हम डर में जी रहे हैं, हो सकता है कि मन में नफरत है किसके प्रति, उसने हमारे साथ बुरा सलूक किया, हमारे शरीर का गलत फायदा उठाया, हमारे विश्वास का, हमारे साथ विश्वासघात किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने टूटे हुए हृदय को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करना, वो जोड़ देंगे, वो आपको चंगा करेंगे। आइए हम प्रभु यीशु के सामने अपने सारे दुख और दर्द और तकलीफ समर्पण करें। जब हम यहां से जाएंगे तो उसके प्रेम से, उसके करुणा से भरपूर होकर जाएंगे। जब हम यहां से जाएंगे तो हम उसके प्रेम से पूर्ण होकर जाएंगे। हम आए तो दुखी, लेकिन जाएंगे तो हम आनंद से भरपूर होकर जाएंगे। इस अवसर को हमें नहीं गंवाना है। इन पलों में आप अपने शरीर को, शरीर से किए गए सभी पापों को यीशु के चरणों में समर्पित कीजिए। अपनी इंद्रियों को प्रभु को सौंप दीजिए, आंख, कान, जबान, हाथ पैर, ये जो
विभिन्न अंग हैं जिन्हें हमें धर्मी कार्यों के लिए इस्तेमाल करना था, पर उन्हों से वही अंगों से हमने पाप को अपने जिंदगी में स्थान दिया। आज प्रभु के सामने एक पश्चातापी विनीत हृदय लेकर, शरीर जिसे हमने नष्ट किया, प्रभु के इस मंदिर को हमने अशुद्ध किया, आज प्रभु के सामने करुणा मांगे, दया मांगे, मुक्ति मांगे। जैसे उस पापिनी स्त्री ने अपना शरीर पूर्णतः आंसू बहाते हुए ये प्रकट किया कि प्रभु मेरे बीते हुए जीवन पर दया कीजिए, मेरे पाप भरे जिंदगी पर अपनी करुणा बरसाइए, मुझे क्षमा दे दीजिए, पाप के कारण मेरे जिंदगी में जो बोझा आया है उससे मुझे मुक्ति दीजिए, मेरा मन अशांत है, बेचैन है, व्याकुल है, आज मुझे शांति दे दीजिए। करुणा कीजिए प्रभु जी, करुणा कीजिए, पापी हूँ मैं प्रभु जी, पापी हूँ मैं, करुणा कीजिए प्रभु जी, करुणा कीजिए, पापी हूँ मैं प्रभु जी, पापी हूँ मैं। सभी लोग अभी दोनों हाथ वेदी की ओर बढ़ाइए, अपने दोनों हाथों को वेदी की ओर बढ़ाइए, हम सब अपने दोनों हाथों को वेदी की ओर बढ़ाएंगे। दया कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, पापी हूँ मैं प्रभु जी, पापी हूँ। सारे बंधनों से, सारे प्रकार के नकारात्मक भावनाओं से, नशेपान से, लैंगिक पापों से, लालच और वासना से, ए प्रभु तू मुझे मुक्ति दे दे। मुक्ति दीजिए प्रभु जी, मुक्ति दीजिए, पापी हूँ मैं प्रभु जी, पापी हूँ मैं। मुक्ति दी है जिनके मन में बहुत बेचैनी है, तनाव है, गुस्सा है, बैर की भावना है, नफरत है, मन व्याकुल है, परेशान है, आज प्रभु के सामने दोनों हाथ बढ़ाइए और कहिए, प्रभु तेरी शांति मुझे दे दे, तू शांति का राजा है, मैं क्यों अशांत बना रहूं, आज मैं अपने जिंदगी के सारे पाप गुनाह अपराधों के लिए तुझसे माफी मांगता हूं, तू मुझे अपनी शांति दे दे। शांति दीजिए प्रभु जी, शांति दीजिए, पापी हूँ मैं, पापी हूँ मैं प्रभु जी, शापी हूँ मैं। जो भी बीमार है, जो भी बीमार है वो वेदी की ओर उठकर आ सकते हैं। आप में से जो शारीरिक बीमार अनुभव कर रहे हैं या किसी भी तरह के मानसिक तनाव, वो आगे के तरफ वेदी के पास आ सकते हैं। बस एक पल के लिए प्रार्थना कीजिए, यीशु मेरी बीमारी मैं तुझे देता हूँ, मेरा दर्द, मेरी पीड़ा, मेरे रोग, मेरी जीवन की हर समस्या यीशु मैं तुझे देता हूँ, मेरा भरोसा है तू मुझे मायूस नहीं करेगा। तेरा वचन कहता है जिसने भी तुझ पर भरोसा किया वो कभी निराश नहीं हुआ है, तू मुझे चंगा करेगा, तो
तूने मुर्दों को जिलाया है यीशु, तू वही यीशु है। मेरा यही भरोसा है, तू वही यीशु है। तू जिंदा खुदा है, तू जिंदा खुदा है। आकाश और पृथ्वी पर मुझे अधिकार दिया गया, तुझे मेरी बीमारी पर अधिकार है, तुझे मेरी बीमारी पर अधिकार है। यीशु तू अधिकार ले मेरे बीमारी पर, रोगों पर, कीटाणुओं पर, दर्दों पर, मेरी चिंताओं पर, मेरे डर पर, मेरे भय पर। मेरे मन में अगर कोई भी ऐसी बात है जो आज मुझे चंगाई पाने में एक रुकावट बन रही है, निकाल दे उसे, निकाल दे मेरे जिंदगी से और तू अधिकार ले ले। जो घर परिवार की कई समस्याओं के कारण आज जिंदगी से हार मान चुके हैं, जीने का आनंद खो बैठे हैं, परिवार में तरह तरह की परेशानियां, रोज के लड़ाई झगड़े, रोज का अनबन, पैसों की तंगी हालत, बच्चे कहां नहीं मानते, उन्नति कर ही नहीं पाते, इतनी मन्नते करने के बाद भी आज घर में इतना टूटापन, घर में कितनी सारी उलझने। प्रभु यीशु आपका घर का राजा बनना चाहता है। यहां पर जो भी लोग हैं इस समय अपने घर को, अपने घर के हर एक सदस्य को याद कीजिए और आज आप उन्हें दिल से माफी देना। अगर आपको उन पर किसी भी प्रकार का अनबन है, कोई भी रिश्तों में तनाव है, घर के किसी भी सदस्य के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, आप उनसे बातचीत नहीं करते, आप उनके साथ रूखा व्यवहार करते हैं, प्यार का व्यवहार नहीं है, एक दूसरे को समझने की वो मनोभाव नहीं है, दोष लगाना है, हर बार उंगली उठाने की बातें हैं, ताने मारते हैं, इस समय आज आप प्रभु से माफी मांगना और प्रभु से कहना, मेरा दिल तू प्यार से भर दे, मेरा हृदय तू प्यार से भर दे। तू प्यार का राजा है, तूने प्यार से मुझे जीता, वही प्यार से मैं अपनों को, मेरे घर वाले भले ही मुझे पराए क्यों ना हो गए, वो अपनों के पास आए और अपनों ने उसे नहीं अपनाया, फिर भी यीशु उसी के लिए मरे हैं। आज हम हमारे अपने शायद हमसे पराए हो गए, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन पर याद कीजिए, एक एक को याद कीजिए। हर एक रिश्ते में प्रभु चंगाई लाना चाहते हैं और वो चंगाई आपके हृदय से शुरू होगी। जो प्यासा है वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करते हैं उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बहेगी। प्रभु आपके अंदर के प्यास को, प्यार की प्यास को खुद पहले बुझाएगा और फिर आपको, आपके हृदय से प्यार की जो नदियां वो दूसरों की ओर प्रवाहित करेगा। घर में शांति, आपके विश्वास के द्वारा घर के लोगों को मुक्ति। दोनों हाथ लंबा कीजिए, दोनों हाथ लंबा कीजिए, जैसे कि आप अपने घर वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। दोनों हाथ लंबा कीजिए, समझो आप उनके लिए आशीर्वाद का प्रार्थना मांग रहे हो, उन्हें आशीष दे रहे हैं। एक-एक व्यक्ति को याद कीजिए, नाम से बुलाइए, अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, एक एक परिवार के व्यक्ति को आप उन्हें याद कीजिए, आपके परिवार के हर एक सदस्य, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, नाना नानी, सबको याद कीजिए। आप उनके लिए अभी प्रार्थना करने वाले हैं प्रभु यीशु के सामने। प्रभु यीशु हमारे प्रार्थना जरूर सुनेंगे, परिवार में सुख और शांति प्रभु यीशु लौटाएंगे, सबको प्रेम से भरने के लिए, सब में परिवर्तन आने के लिए प्रार्थना कीजिए, विशेषकर हृदय परिवर्तन, सबको चंगाई मिले ऐसे प्रार्थना कीजिए, मुक्ति मिले हर एक व्यक्ति को, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति को मुक्ति मिले इसके लिए प्रार्थना कीजिए।
विश्वास से प्रार्थना कीजिए, आज प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। यीशु ने काना के विवाह भोज में नई अंगूरी पानी को अंगूरी में बदला है, परिवार को रसमय बनाया है, परिवार में आनंद और प्रेम और शांति की धाराएं बहाई है। शिष्यों को जब भेजा गया, शिष्यों से यही कहा गया, हर घर परिवार में तुम जहां प्रवेश होते हो कहना इस घर में शांति बनी रहे। आज सबसे अधिक हमारे घर को शांति की जरूरत है। पुनर्जीवित यीशु ने सबसे पहला वरदान, सबसे पहला आशीष अपने शिष्यों को यही कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति छोड़े जाता हूँ, वो शांति जो संसार ना दे सकती है, ना संसार दे सकती है। आज प्रभु से अपने घर के हर एक सदस्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर, आपके घर परिवार में और आपके घर गृहस्थी में उसकी शांति में आप जिए बने रहो। और जहां शांति का ईश्वर है वहां शैतान का सर कुचला जाएगा। शैतानी हरकतें, अंधकार की शक्तियां, ओझा पूजा, भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब प्रभु कुचल देगा। नशापान कुचल देगा, घर में वासना की आत्मा कुचल दी जाएगी। घर में जहां भी पापी शक्तियां हावी हो रही है वो सब कुचला जाएगा जब शांति घर में आ जाती है, क्योंकि शांति यीशु ही हमारी शांति है। वो यीशु आज आपके जिंदगी में शांति का राजा आएगा। सभी लोग एक ही दिल एक ही आवाज में पुकारिए, शांति दीजिए प्रभु जी, शांति दीजिए, मांगे शांति दीजिए प्रभु जी, शांति दीजिए, पापी हूँ मैं प्रभु जी, पापी हूँ मैं। दोनों हाथ वेदी की ओर बढ़ाते हुए बोलिए, शांति दीजिए प्रभु जी, शांति दीजिए, पापी हूँ मैं प्रभु जी, पापी हूँ मैं। वो आपके निजी जीवन के बारे में, आपके हृदय का कोई मतलब हो या आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, अपनी इस प्रार्थना को प्रभु के सामने चढ़ाने के बाद ये ज़रूर मांगना और ये ज़रूर कहना, प्रभु हमारी ये इच्छा तेरी इच्छा हो तो आत्मा में उसे पूरी कर देना, या अगर तेरी इच्छा है तो आत्मा की कृपा में उसे पूरी हो जाने देना। पर सबसे अधिक ये ज़रूर मांगना, प्रभु हम आपके साथ हर बार बने रहे, हम आपके साथ जुड़े रहे, आप हमारे आगे आगे चलते रहे और हम आपके पीछे पीछे चलते रहे, कि अंतिम क्षणों में हम पिता की गोदी में अपने आप को पाए। यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, हमारी मंजिल यही है कि हमें पिता के पास जाना है। इसलिए तो यीशु को भेजा गया है, वो हमारे जिंदगी पर राज करते हुए पिता का राज्य हमारे जीवन में लाता है, पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने की कृपा देता है।